ऑटो वाले से बन गए हम चूतिया। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे मतलब बनाया गया मुझे करके। स्मार्ट प्ले गाइस व्हाट्सअप सिराज, वेलकम टू माय। ट्रेन ज़्यादा चलता रहता है उसके लिए। हे गाइस व्हाट्सअप सिराज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवेंचर स्टोरीज। आज मैं इतना कुछ सुना पूछो मत गाइस, क्योंकि 6 महीने के बाद मैं फिर घर जा रहा हूँ। घर जाने का माहौल मैं इतना बना के रखा हूँ ना, 2 दिन पहले मैं माहौल बना के रखा हूँ ताकि एक अंदर से एकदम मतलब जोश हूँ, एकदम अंदर से मैं एकदम एनर्जेटिक फील हो रहा हूँ मैं आज। तो इस बार मैं बाइक से नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम में जब मैं बाइक से गया था तब मैं फैमिली को टाइम नहीं दे पाया था, क्योंकि 6 दिन का लीव था। फिर उसके बाद सभी दिन राइड में चला गया था। इस बार मैं 10 डेज का लीव ले रहा हूँ और मैं ट्रेन से जा रहा हूँ। तो ट्रेन है लगभग 12:15 आसपास। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लगेज पैक करना है और नेक्स्ट थोड़ा हेयर कटिंग करना है, तो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। चलिए गाइस फटाफट 2 काम निपटा देते। ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೋಗೋದು ನಾನು, ಅದೇ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ। हाँ तो गाइस अभी जो कॉल किया था वो स्वरूप था, तो मेरा खास दोस्त। तो उसका तो अभी शादी होने वाला है December 1, तो मैं नहीं जा पाऊंगा, सॉरी अबाउट दैट। क्योंकि मैं तो 30 नवंबर मुझे वापस वायदा आने का है, क्योंकि मुझे तो 10 दिन का ही छुट्टी मिला हुआ है। तो उसके लिए स्वरूप आई एम सॉरी। तो इधर से मैं आशीर्वाद दे देता हूँ। अभी मेरा तो ऑलरेडी पैकिंग हो चुका है और ये 2 बैग है मेरा, एक ट्रॉली बैग रेड कलर का बैग है। तो 2 बैग लेके जा रहा हूँ। एस्पेशली ये ट्रॉली बैग में ऑफकोर्स राइडिंग जैकेट्स एंड ग्लोव्स भी है, बाकी मेरा 10 दिन का कपड़ा है। और ये रेड बैग में जैसे मेरा एडिटिंग गियर्स है और उसके बाद कैमरास है। घर पे एक हेलमेट है, वो थोड़ा उसमें GoPro माउंट करने के लिए फिर जुगाड़ ढूंढना पड़ेगा, उसके लिए मैं इधर से मैं हेलमेट लेके जा रहा हूँ। फटाफट रेडी होके निकलते हैं, कुछ 12 o'clock के आसपास हमारा ट्रेन है, मिलेंगे हम रेलवे स्टेशन में। मेरा बाइक तो नहीं लेके जा रहा हूँ, तो उसको अच्छे से कवर करके रखा हूँ मैं, आपको मैं दिखाता हूँ नीचे से। ये है मेरा बाइक, तो इसको अच्छे से बंद करके रखा हूँ ताकि धूल मिट्टी ना उड़े। मिलेंगे हम 10 डेज के बाद, बाय। चलेगा जल्दी फटाफट खाना खा लेते हैं, और भी 1 घंटा है ट्रेन के लिए। हमारा जो गेस्ट हाउस में जो कुक है ना, अल्टीमेट खाना बनाता है यार, लिटरली इतना खाना तो कंप्लीट। उसके बाद अभी लगेज सभी नीचे लेके आने का है। मैं एक अपना ड्राइवर को ही मैं कन्विंस कर लिया कि मुझे रेलवे स्टेशन तक छोड़ सकता है क्या करके। वो उसने बोला कि चलो सर आपके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ करके, मोहब्बत, थैंक यू। तो फटाफट लगे से भी नीचे लेके आते हैं। बस में बैठ गए हम, और ये राजू गर्व है हमारा, L&T का ड्राइवर है। थैंक यू। ये एक्चुअली टिफिन लेके जा रहे स्टॉप्स को, उसके लिए वही बस में मैं जा रहा हूँ। अभी टाइम है 11:30 आसपास। अभी मैं पहुंच गया हूँ रेलवे स्टेशन, और भी टाइम है और आधा घंटा टाइम है, तो अभी मैं प्लेटफॉर्म में जा रहा हूँ। तो प्लेटफॉर्म नंबर 1, एक जगह एक पकड़ के बैठ जाएंगे। सांस निकल गया यार, क्योंकि जहाँ पे मैं खड़ा था वो प्लेटफॉर्म नंबर 8 है, मुझे जाना है प्लेटफॉर्म नंबर 1, बस स्ट्रेट जाने का मुझे। और जैसे मैं स्टेयरकेस चढ़ा एकदम वर्स्ट कंडीशन हुआ। गाइस और 5 मिनट लेट है, 1:15 को आना था, फिर 1:20 को बोल रहे हैं। अभी भी पता चला कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 नहीं है, प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आ रहा है करके। चलो इसमें जाता है।
बेस्ट गाना है ना, मैं लाइफ में नहीं गाया हूँ गाइस, लिटरली बकवास एकदम। ऐसे राइस ही खा रहा हूँ मैं बस, ना कुछ तीखा है ना कुछ नमक है, कुछ भी नहीं है, मैं बेस्ट गाइस। अभी मैं पहुँच गया हूँ रेलवे स्टेशन हुबली, तो इधर से मुझे जाना पड़ेगा नियर बाय बस स्टैंड है, तो वेट कर रहा हूँ ड्राइवर भाई को, आई नहीं अब तक। लगभग 3 घंटे का तो जर्नी होगा, हार्डली 150-160 किलोमीटर सर, बाकी सब बढ़िया। तो जैसे मैं बस स्टैंड आया तो बस तो रेडी था, ये है अपना बस, चलो चढ़ के चलते हैं। मेरे मम्मी को एक बार कॉल लगाते हैं, वो आने वाली है घर, तो अभी मतलब कई में थी, अभी अंकल आने वाली है, तो एक बार पता कर लेते। पिकनिक कर रही है, थोड़ी देर के बाद ट्राई करता हूँ। चलो यार बस तो खाली है, चिल मारने का बस। हाँ गाइस एकदम बस की एकदम पीछे में बैठा हूँ, बहुत ऑफ रोडिंग हो रहा है एकदम, मतलब मिल रहा है बस, एक आधा घंटे में पहुँच जाऊँगा बस। हाँ गाइस ऑटो वाले से बन गया हम जोधिया, एक्सप्लेन करता हूँ कैसे मतलब बनाया दिया मुझे करके, तो रूम जाके एक्सप्लेन करता हूँ इधर में, अगर सभी लोग देख रहे हैं उसके लिए स्मार्ट प्ले हो जाता है happens। और सुबह से कुछ खाया नहीं मैं, क्योंकि रात का जो खाना था ना वो सफिशेंट था बस, और कुछ नहीं खाना मुझे अभी, डायरेक्टली मुझे घर में जाके खाना है। व्यू देखो जस्ट पहुंच गया, मगर इतना झटका मारा ना बस ने, तो मतलब लिटरली रोड तो एकदम खराब था, तो मैं सोचा कि कुछ ना कुछ सामान टूटा है करके, तो मैं चेक किया, सभी सामान चेक किया, उसके बाद पता चला कि ये सेल्फी स्टिक है ऊपर में, आप देख सकते हैं ये जो चीज ये टूट गया देख। कोई बात नहीं, मेरे पास और दो सेट है बहुत दिनों के बाद, पसक कर दूंगा। बढ़िया सा खाना होने के बाद, फ्रेश अप सब होने के बाद इधर बैठ रहा हूँ, तो उसके बाद आपको एक बात बताना था। रेलवे स्टेशन से उतरा, फिर मैं एक ऑटो पकड़ा था हुबली में, दो बस स्टैंड है, तो एक ओल्ड बस स्टैंड है, एक न्यू बस स्टैंड है, ठीक है ना, कौन सा स्टैंड में बस आता है करके, उसने बताया कि न्यू बस स्टैंड है करके, क्योंकि वो बहुत दूर था उसके लिए ऐसा घुमा रहा था, तो ठीक है भाई चलो करके बोला उसको, 120 रुपीस पूछा, ठीक है कोई बात नहीं करके हम लोग नहीं चला गए। तो उसके बाद जैसे उधर बस मिला, फिर बस में चढ़ने के बाद फिर वो बस घूम के फिर आया पुराना बस स्टैंड, तभी समझ लिया इसने मुझे बना दिया करके। कोई बात नहीं, होता रहता है छोटे मोटे बात, तो नेक्स्ट टाइम हम लोग थोड़ा ध्यान में रखेंगे। ऐसे खींच खींच के लेके जा रहा हूँ, ऐसा साउंड आ रहा है देखो, बुलेट बुलेट जैसे साउंड आ रहा है देखो, बाद में पता चला इसमें जो बुश है वो निकल गया करके, सुन लिया ना, बाइकर है भाई, हमारा लगेज को भी मेरा थोड़ा असर पड़ गया। मैं कल मिलता हूँ फिर से नया कंटेंट के साथ, स्टिल एंड टेक केयर, बाय बाय, लव योर लाइफ, लाइव योर ड्रीम, धूम।